टनल के नीचे इसका आएंगे। सो कोई बताएगा कि आज कैसे लग रहे हैं ब्लेजर में? एकदम मस्त स्कूल का ड्रेस पहन हाँ ये के मेरा स्कूल वाला ब्लेजर ही है। आया। हाँ आनंदरा में यही चलता था। और मतलब चलो ठीक है सही है। और और क्या, आज का टेस्ट कैसा गया आर्यन? ठीक ठाक आज गया, सब कुछ खत्म, एग्जाम खत्म, सेंड अप खत्म, अब घूमने निकलेंगे, समझ मस्ती रहे हो करना ना? है। अब मस्ती तो करना ही है। और कुछ लोग हैं पढ़ाकू जो अभी भी कॉलेज आएगा और एक्सपेरिमेंट वगैरह करेगा, क्या कर सकते हैं। बाकी मेरा सीन क्या है कि हम पढ़ लेंगे थोड़ा एक्सपेरिमेंट वाला, वो उसी से काम चल जाएगा। और विद्वान हाँ है ही, एक विद्वान और है ही, पढ़ के क्या सेल करेगा, बायो यही वाला तो कॉपी चेक चलेगा। हुआ, प्रीति टॉप कर गई 78, तो सेकंड टॉप तो तुम ही किया। सबने बोलना है। थोड़ा बहुत नंबर आ जाता है किसी किसी में बस, और क्या। तो आज आज का कुछ ऐसा सीन है कि अभी जाना है लस्सी अड्डा, और वहाँ पे वो जो रिंग लाइट आप देखे वो मेरा नहीं था, किसी और का था, तो वो वहाँ पे दे देना, फिर वहाँ से वो पिक कर लेगा जिसका भी है। और चलते हैं, वहाँ चलेंगे तो कुछ ना कुछ तो ट्राई करेंगे, मज़ा आएगा। ये जो रिंग लाइट था वही देना था मेरे को, बट वो आज आ नहीं पाया क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। सो ये हम यहाँ पर रखवा देंगे और वो आएगा तो फिर यहाँ से ले लेगा। तो अब यहाँ आए हैं ऐसे तो जाएंगे नहीं, तो ऐसा करते हैं कि आइसक्रीम एंजॉय करते हैं आज। सो आई वॉन्ट टू इंट्रोड्यूस अ पर्सन, और ये मतलब भैया की तरह है। भाई बहनों, मेरा नाम राजवर्धन है और मेरी शुरुआती शिक्षा दीक्षा माउंटेसरी स्कूल से हुई है। मैं 2012 का एक बहुत ही होनहार छात्र रहा। मेरा नाम राजवर्धन है और मैं तिलका मांझी का रहने वाला हूँ। तो ये 300 से ज़्यादा आवाज़ निकाल लेते हैं, ये एक डब आर्टिस्ट हैं, बट उतना करते नहीं है, थोड़ा बहुत टैलेंट है बट शो नहीं करते हैं। तो आज इनको बोलते हैं यहाँ पे कुछ अगर करके दिखाएं तो दिखाएं। नमस्कार भाइयों बहनों, मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी भागलपुर की जनता से एक अपील करना चाहता कि खलीफाबाद चौक पर एक बहुत ही अच्छा दुकान खुला है, उसका नाम लस्सी अड्डा है। तो कृपया अपने और अपने परिवार के साथ लस्सी अड्डा और सैंडविच का भरपूर मजा लें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं भाइयों बहनों, इससे अच्छा सैंडविच आपने भागलपुर में कभी नहीं खाया होगा। धन्यवाद मित्रों। तो मैं अभी इनके घर पे आया हुआ था, तो मैंने यहाँ पे देखा कि ये इनका मतलब रूम है जो वो खाली पड़ा है नीचे। काफ़ी सारे लोग मेरे को पूछते हैं कि आपके नज़र में अगर कोई रूम वगैरह है जहाँ पे फैमिली वगैरह रह पाए तो आप मेरे को बताओ। तो ये काफ़ी सही है, इधर आपका देख रहे हो रेक वगैरह है, दो रूम है, ये सामने में आपको ये पूजा रूम मिल जा रहा है, इधर आपको फिर इस साइड आपको बाथरूम मिल जा रहा है, ये वाला एक रूम है, ये वाला एक रूम है, दो रूम है, एक बड़ा सा हॉल है। तो क्या चाहिए, सही है। अगर किसी को लेना है तो मैं भैया का नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वहाँ पर से वो ले सकते हो। तो ये वाला जो है ये दूसरा मतलब दूसरा साइड है, ये एक हॉल हो गया आपका, फिर इस साइड आपका एक रूम हो गया जो कि काफ़ी स्पेसियस है, सही है, और इस साइड आपका किचन हो गया, देख सकते हो ये किचन हो गया, ये आपका हो गया वॉशरूम, ये इंडियन स्टाइल वॉशरूम है हाँ, और ये वाला एक हो गया आपका रूम जो कि आपको रूम में एक कवर्ड भी मिल जा रहा है जो कि काफ़ी सही है। भैया का मैं नंबर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इनसे आप कांटेक्ट कर सकते हो, और अगर आपको लेना है तो यहाँ पे आके ले सकते हो, काफ़ी सही है। आप एक बार यहाँ का एड्रेस बस बता दीजिए, लोकेशन क्या है। जी ये एक्चुअली सचदेवा रोड जो है, तिलका मांझी से आप अंदर बढ़िएगा तो उसी रोड में लास्ट में जाके जगदम्बा टेंट हाउस आता है, वहाँ पास नहीं है। मैं अपना फ़ोन नंबर दे देता हूँ आपको, अगर ज़रूरत होगा तो आप मेरे को कभी भी कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा नीचे में भी एक सिंगल रूम खाली खाली है, एक बड़ा सा हॉल खाली है, गैरेज भी है। हाँ आप लोग को लेना है तो आप बिल्कुल, दोनों साइड 2 BHK फ्लैट है,
आपको बिल्कुल अगर लेना हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं मेरे को कॉल करके, मैं काफ़ी सही आपको प्राइस पे मतलब मिल जाएगा। जी बिल्कुल, तो जिसको भी लेना है वो आराम से आके ले सकते हो। और अभी आज कोई मतलब स्पेशल आदमी इंतज़ार कर रहा है, बड़े दिनों बाद अपने ब्लॉग पे आ रहा है, तो चलते हैं और उसके इंतजार का फल उसे देते हैं। ही इज़ रियली अ टैलेंटेड गाय मैन। इनका दो तीन वीडियो अभी मैंने शूट किया, वो मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत तगड़ा। एक तो सनी देओल और दूसरा लता मैम, ऑसम वीडियो देखो, आप लोग बताना कमेंट में कि कैसा है। मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। ये ताकत खून पसीने से कमाई हुई रोटी की है, मुझे किसी के टुकड़े पर पलने की जरूरत नहीं। डरा कर लोगों को वो जीता है जिनकी हड्डियों में पानी भरा होता है। तू चाहता है मैं तेरे लिए भागूं, तू कहे तो काटूं, तू कहे तो दौड़ूं। एक मीम्स बना था मेरे पे कि विदाउट सुमित योर फेस इज एंड विद सुमित योर फेस इज। ये बहुत दिन बाद ये लड़का आया है। और ये क्या चीज़ का तैयारी कर रहे थे तुम, कर रहे हो? स्टीनो का, स्टीनो, स्टीनो करके कुछ, तो उसका एग्ज़ाम का ये तैयारी कर रहा है। और आज हम इसको बोले कि नहीं, आज तुम आओ, बहुत दिन हो गया, बहुत दिन हो गया मिले। और लास्ट बार काली पूजा में तो ये हमको बहुत गंदा वाला सीन हुआ था। फ़ोन किए जा रहे थे, 15-20 बार कॉल किए थे, पता नहीं कहाँ था, समझ रहे हो? फुल लोडेड है, देखो पूरा एकदम पूरा पैक वैक सब करके आया है, देख सकते हो जरा कहाँ से। चलो हटाओ को बात नहीं, तो थोड़ा इन्जॉय करते हैं, बात बात करते हैं, प्लान बताते हैं इसको, फिर चलेंगे घर हम। सो ये इतना दिन बाद आया तो हम लोग सोचे कि चलो क्यों ना चल के थोड़ा, भैया सोचे, हाँ मतलब भैया सोचे, वर्धन भैया सोचे कि चलो इन लोगों को थोड़ा आइसक्रीम वाइसक्रीम खिलाया जाए, इनका तो गला बैठा हुआ है बेचारे, खा नहीं पाएंगे, तो हम ही लोग चलते हैं थोड़ा बहुत आइसक्रीम खाते हैं। इतना दिन बाद आया सुमित, अच्छा है, चलो सही है। कॉलेज ड्रेस में घूम रहे हैं, तब से आए हैं, फिर इनके घर पे गए, फिर वहाँ से यहाँ आए, फिर तुमसे मिले, अब जाएंगे घर, जाएंगे, अभी तक घर नहीं गए हैं, तो चलो ठीक है कोई बात नहीं, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। वाह, इसका ना टेस्ट हमेशा बेस्ट रहता है, अल्टीमेट टेस्ट है ये। सॉफ्टी वगैरह आप मानसी के ब्लॉग में देखे होंगे और आज मेरे भी ब्लॉग में देख लो, मानसी याद है ना? गुड। मैं हमको लगा तुम सबको भूल रहा है, हम लोग को भी भूल गया है, तो तुझे कहीं मानसी को भी भूल गया क्या? तो इसके लिए इनको थैंक यू, थैंक यू सो मच। आइए पुराने दुकानदार, चला गया आगे आगे।